और अब बात करते हैं G7 समिट की। प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंच चुके हैं G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, और जहां एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत हुआ है। तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। भारत फिलहाल मेहमान देश की तरह इस सम्मेलन में जा रहा है, लेकिन G7 की सदस्यता का उसका दावा काफी मजबूत है। इस बार सम्मेलन इटली के अपुलिया में हो रहा है, और इस बार G7 शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में दो बड़ी जंग लड़ी जा रही हैं। गजा में इसराइल लगातार हमले कर रहा है और हजारों लोगों की जान वहां जा चुकी है, और वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध 2022 से ही जारी है, और ये माना जा रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन में ये मुद्दा छाया रहेगा। तो G7 समिट में क्या क्या मुद्दे छाए रहने की उम्मीद है, कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी कादमनी शर्मा से विस्तार से बातचीत की, वो सुनते हैं। सबसे पहले तो पीएम जो है वहां पर आउटरीच जो समिट है उसको संबोधित करेंगे, ऐसी जानकारी जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने वहां पहुंचने पर दी है, इटली पहुंचने पर दी है। इसके अलावा कई बायलैटरल भी हो सकते हैं, जो जॉर्जिया मिलोनी है उनके साथ तो होगा ही क्योंकि वो होस्ट कंट्री है, उनके अलावा भी कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। दूसरी तरफ भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का एक लीडर माना जाता है पिछले कुछ वक्त से, और उसमें एक अहमियत ज्यादा जुड़ जाती है। लेकिन ये जो G7 की बैठक है उसमें भारत को तो इनवाइट किया ही गया है, 11 देशों को कुल मिलाकर इनवाइट किया गया है मेहमान के तौर पर। उसमें जो कुछ लैटिन अमेरिकन देश है, कुछ अफ्रीकन देश है, उनको भी इनवाइट किया गया है। फोकस लेकिन मुख्य तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो रूस यूक्रेन युद्ध है उस पर शायद सबसे ज्यादा बात होगी, क्योंकि जितने भी देश G7 में है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इस पूरे जो यूरोप में चल रहा है इस वक्त युद्ध, उसके कारण हमने देखा है कि किस तरह से यूक्रेन को लगातार जो हथियार है या बाकी जो सामान है युद्ध के वो भेजे जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। एक पैक्ट भी साइन हुआ है जो बाइडेन और जेलेंस्की के बीच, जिसमें उन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस की बात की है। जो बाइडेन ने 10 साल का ये पैक्ट है ये यहीं पर हुआ है, इटली में ही हुआ है। तो एक फोकस जो है वो कुल मिलाकर यूक्रेन पर है। लेकिन भारत का जहां तक सवाल है, भारत कोई पक्ष नहीं ले रहा है। भारत न तो रूस के पक्ष में है, न वो यूक्रेन के पक्ष में है, भारत शांति के पक्ष में है, और बार बार ये कह रहा है कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी मसले हैं, वो बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। भारत ने जो पीएम है उन्होंने जाने के पहले ये भी कहा है कि जो इकोनॉमी की बात होगी वहां पर, एआई की बात होगी, इन सब के बारे में बात वहां पर होगी। तो ये सारी बातें जरूर है, लेकिन भारत का वहां मौजूद होना इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि हमने देखा है किस तरह से कई विश्व के नेता, चाहे वो जेलेंस्की हो या फिर बाकी नेता हो, वो ये चाहते हैं कि भारत जो है वो पीस प्रोसेस में कहीं ना कहीं शामिल हो। स्विट्जरलैंड में जो पीस टॉक हो रहे हैं, पीस समिट जो हो रहा है, उसमें भी भारत को बार बार बुलावा आया है, एक फॉर्मल इनवाइट भी आया है, लेकिन वहां पर सेक्रेटरी वेस्ट जो है पवन कपूर वो जा रहे हैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो एक तरह से ये देखा जा रहा है कि भारत अगर इसमें कोशिश करता है तो शायद एक बार युद्ध विराम जो है, जो शांति स्थापित करने की कोशिश है, उस दिशा में बढ़ा जा सकता है। लेकिन भारत किसी एक पक्ष के साथ होता नहीं दिखना चाहता है। तो ये सभी चीजें यहां पर एक दिखेंगी साफ तौर पर, लेकिन ये जरूर है कि पीएम का वहां होना काफी अहमियत रखता है, खासकर इस माहौल में, दुनिया में जो हो रहा है उस इस वक्त।